तकरीबन 4 से 5 मैकेनिक इसको कर चुके हैं, तो सेट नहीं हुआ। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है जब मेरे से कोई काम ना हो। तो खैर, हमने दोबारा से फिटिंग किया है, ये दोबारा से लीक है। और टेंकी के ऊपर हम चेक कर रहे हैं नीचे, तो आपको दिखाते हैं ये कैसे लीक कर रहे हैं। तो अगर इससे भी सेट नहीं हुआ ना, तो न्यू लगाना ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। एक पैडल वाल हमने खोला हुआ है, हमने नहीं खोला हुआ है, किसी मैकेनिक ने खोला हुआ है। ठीक है, किसी मैकेनिक ने खोला है वाल, पैडल वाल, तो वो जो है बिल्कुल सेट नहीं हो रहा। तकरीबन उसे 4 से 5 मैकेनिक सेट कर चुके हैं, फिर भी वो सेट नहीं हो रहा। मतलब ये है कि उसे बहुत सारे मैकेनिकों ने चेक किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी वजह से सेट नहीं हो रहा, ये बाज़ दफ़े ऐसा हो जाता है कि ये ऐसे ऐसे फॉल्ट आ जाते हैं, बड़े बड़े मैकेनिक से भी सेट नहीं हो सकता है। इंशाल्लाह जो फॉल्ट मैंने देखा है आपको भी दिखाऊंगा कि ये फॉल्ट हो जाए इसके साथ क्या मसला हो जाता है। तो ये देखें, ये वाल खुला पड़ा है। हालांकि जब मैं आया था उस टाइम पे ये फिटिंग था, तो मैंने ही इसे खोला है। तो जब ये फिटिंग था उस टाइम पे भी मुझे ठीक लग रहा था, इसमें फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो इसे अच्छे से खोल ले, ताकि गाड़ी के ऊपर लगाने के वक्त लगा के फिर दोबारा ना खोलना पड़ जाए। मेरी कोशिश यही होती है, जब भी कोई चीज़ रिपेयर की जाती है उसे नीचे अच्छे से चेकिंग करना चाहिए, ताकि दोबारा परेशानी ना आए। तो मैं आपको बताता चलूँ, इन्होंने तकरीबन 4 से 5 दफ़ा मेरे अंदाजे से खोल लिया होगा। ठीक है, इससे ऊपर नीचे हो सकता है, बहरहाल तकरीबन कोई 3-4 मैकेनिक इसे सेट कर चुके हैं, उन्होंने ही मुझे बुलाया है। ठीक है, तो मैं उनकी इंसल्ट नहीं कर रहा, तो ये बता रहा हूँ कि इसका फॉल्ट क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताना है बड़े ही तफसील से। तो अलग अलग फॉल्ट हो सकते हैं, अलग अलग मसले हो सकते हैं। इसमें जो है, एक तो ये लीक हो रहा है, ठीक है, वैसे खड़ी गाड़ी में। दूसरा जो है, ब्रेक दबाने से ही लीक कर रहा है। ठीक है, तो मैंने जैसे ही इसे चेकिंग किया, मैंने कहा चलो वीडियो इसके लिए बनती है, क्योंकि आपको भी तजर्बा हो जाए, आप भी कभी ऐसा मसला हो जाए तो आप भी इसे सेट कर सकें। ठीक है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो आपको अच्छी लगे, तो कुछ इसमें सीखने को मिले, आपने वीडियो को लाइक भी करना है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, ताकि दूसरों को फ़ायदा हो सके। तो मैं अगर आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये एक किट न्यू डाल दिया। ठीक है, तो इसके अलावा और भी किट डाली है। कितना किट है पता है? हाँ, दो इसमें किटें जो हैं डाली हैं, फिर भी ये सेट नहीं हुई। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, ये किसी से भी ऐसा मसला हो सकता है। ये बड़े बड़े मैकेनिक से भी फॉल्ट बाज़ दफ़ा ठीक नहीं होता, वो छोटा सा फॉल्ट होता है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर पॉइंट वाली बताऊंगा, मेरे उस्ताद ने भी मुझे बताया था, जब भी कोई भी मसला हो जाए गाड़ी में, ठीक है, फॉल्ट ठीक ना हो रहा हो, तो आप उसे फौरी तौर के लिए उसे रख दिया करें। ठीक है, तो अगर बार बार आप लगे रहेंगे ना, बार बार उसे चीज़ को खोलते रहेंगे, तो आप प्रेशर में आ जाएंगे, तो आपसे वो चीज़ सेट नहीं होनी। जब भी ऐसा मसला हो जाए, आप कुछ देर के लिए रुक जाएं, रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स होकर चाय पानी पी के फिर जो है आप दोबारा से उसे सेटिंग करें, इंशाल्लाह सेट हो जाएगी जो भी आपके साथ मसला हो जाता है। ठीक है, ये देखें, मैंने फर्स्ट टाइम जस्ट चेक किया था ना, ठीक है, तो इसका फॉल्ट जो निकला है पहला नंबर, इसे चेक किया जाता है, जो ब्रेक दबाने से लीक होता है। खैर, इन्होंने मेरे ख्याल में फेस जो है इसके साथ सेट किया है, ये आप देख सकते हैं, इसके साथ बड़ी आसानी से इसका फेस सेट हो जाता है, ये फेस बिल्कुल ठीक है, ओके है। दूसरा नंबर, जो ब्रेक दबाने से, ये बाज़ दफ़ा इसके अंदर से जो है, ये देखें, इसके अंदर जो पिस्टन चलता है ना, उसका रिंग वगैरह लीक हो, उसकी वजह से भी ब्रेक दबाने से ये लीक करेगा, जैसे कि ये रिंग है, या फिर इसके अंदर ये सही फिटिंग ना आ रहा हो ऐसे, तो उसकी वजह से भी ब्रेक दबाने से लीक करेगा। बाकी जो है, इसमें जो फॉल्ट निकला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये इसका फॉल्ट निकला है। तो अगर मैं आपको क्लियर दिखा सकूं, ये देखें, तो ये आप देख सकते हैं ये कितना फॉल्टेड हो चुका है। ठीक है, तो इसका काम ही यही होता है, जब ब्रेक दबाएंगे आप, ब्रेक दबा के रखेंगे तो ये प्रेशर को कंट्रोल करेगा, जैसे ही आप ब्रेक छोड़ेंगे यहाँ से प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा, मतलब प्रेशर यहाँ से निकल जाएगा वापस। ठीक है, तो जो हम ब्रेक दबाते हैं और छोड़ते हैं, आवाज़ आती है छुप की, तो यहीं से प्रेशर निकल जाता है, इसका काम ही ये होता है। जब इसको दबा देते हैं, दबाने के दौरान ये रोक देता है प्रेशर, इसमें ये फॉल्ट निकला है ब्रेक दबाने का। तो खैर, ब्रेक दबाने का तो फॉल्ट पता चल गया है, तो इंशाल्लाह ये तो सेट हो जाएगा। बाकी दूसरा जो है इसका फॉल्ट, कि ये डायरेक्ट क्यों लीक हो रहा था, उसकी वजह क्या है, वो वजह मैं इंशाल्लाह इसे फिटिंग करूंगा। फिटिंग करके तो ही मैं आपको बताऊंगा, जैसे मुझे फॉल्ट नज़र आएगा कि ये डायरेक्ट ऐसे ही स्टार्ट होने से क्यों लीक कर रहा था, वो इंशाल्लाह फिटिंग करके फिर मैं आपको बताऊंगा, जैसे मुझे फॉल्ट नज़र आएगा। फिलहाल मुझे फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा, तो इसे फिटिंग करते हैं, फिटिंग करके तो फिर आपको वो भी बताएंगे इंशाल्लाह। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि इसके अंदर जो फेस है
ये भी फाइल डेट हो जाता है, उसकी वजह से भी लीकिंग नहीं रुकेगी। ये देखें ये दोनों ही फेस, ठीक है। तो माशाल्लाह हमने इसमें भी वाल फिटिंग कर लिया है, तो इसमें भी वाल फिटिंग कर दिया है, ठीक है। तो दोनों ही हमने चेक करने हैं, मतलब है जैसे हम चेक करते हैं मुंह के साथ इसको खींच के इस तरफ से, ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ऐसे ही हमने चेक करना है। ये देखें माशाल्लाह इससे इस टाइम बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। वो भी कह रहे थे कि हम जब नीचे चेक करते थे बिल्कुल ओके होते थे, जब हम फिटिंग करते थे गाड़ी के ऊपर तो उस टाइम पे प्रॉब्लम होती थी। तो इसमें माशाल्लाह अभी तो कोई फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा, तो खैर इसे मुकम्मल फिटिंग करके गाड़ी के ऊपर हमने फिटिंग करना है, तो ये जो है दूसरा लगाना है या फिर इसे हमने रिपेयर करवाना है, ठीक है। तो फिर गाड़ी के ऊपर फिटिंग करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट निकलता है, जैसे कि डायरेक्ट निकल रहा था, ठीक है। तो अल्लाह पाक रहमत करे। तो ये कुछ इस तरह काम करता है, ठीक है, इस वाल्व को ये दबाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये लीक हो रहा था, यहाँ से प्रेशर लीक हो जाता था ब्रेक दबाने से। तो अब हम यहाँ से सेट करवाएंगे खराद मशीन वाले से, ठीक है। तो वो भी आपको दिखाते हैं हम कैसे सेट करवा रहे हैं, ठीक है। खास दफ़ा ये होता है कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर ये मिलता नहीं है, तो वहाँ पर आप सेट करवा सकते हैं। तो अभी भी इसमें कुछ फ़र्क है, तो ये कट आप देख रहे हैं अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, तो इसे थोड़ा सा और टूल लगेगा, फेस होएगा तो ही ये सेट होगा। तो माशाल्लाह ये बिल्कुल ओके हो गया, तो इसे हमने यहीं पे ही चेकिंग कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको वाल चेक करवा के दिखाया है, ठीक है। तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। तो जब भी आपके साथ ऐसा हो जाए तो कोशिश करें इसे न्यू डाल दें, ठीक है। तो हमें ये नहीं मिल रहा था, इसीलिए हमने जो है इसे सेट करवाया है। तो माशाल्लाह इसे गाड़ी के ऊपर फिटिंग करते हैं, फिर देखते हैं इसकी क्या सूरत हाल है, तो आपको भी साथ में बताएंगे। तो इस गाड़ी का है निसान PKD 311। तो इसे लगाएँगे, तो इसे लगा के फिर जो है हमने प्रेशर इसका पूरा करना है, तो आपको दिखाना है। तो खैर माशाल्लाह फिटिंग हो चुका है, और प्रेशर की तरफ से भी हमने प्रेशर इसका पूरा कर दिया है, और 4 से 5 तक ये बिल्कुल जो है बिल्कुल ठीक था इसका जो पैडल वाल है। तो जैसे ही 6 पर गया है तो लीक करने लग गया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से लीक हो रहा है, तो नीचे से चल के दिखाता हूँ। तो यहाँ से भी प्रेशर आ रहा है और इधर से भी प्रेशर आता है, बल्कि इधर से ये देखो ये प्रेशर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से प्रेशर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे तब प्रेशर आता है जब ब्रेक दबा दो, अगर हम यहाँ से बंद करते हैं तो यहाँ से लीक होता है, ठीक है। तो इसे खोल के दोबारा देखेंगे क्या मसला है। मसला यहीं पे पैडल पे, तो खोलते हैं तो देख सकते हैं ऊपर से मैंने बिल्कुल जो है फुल आज़ाद कर दिया है, तो भी ये लीक कर रहा है। तो इसे नीचे वाले खोलेंगे देखेंगे। तो खैर हमने अपनी तरफ से इसे यहाँ पे परफेक्ट चेक करने की कोशिश की है, तो देख सकते हैं मैंने ऊपर ही खोल दिया और दोनों ही पैप लगा दिए, तो ऊपर वाला बिल्कुल ठीक है। यहाँ से अब जो है यहाँ से प्रेशर नहीं निकल रहा, ये देखें, तो यहाँ से नहीं निकल रहा, यहाँ से निकल रहा है, ये देखें, तो यहाँ से निकल रहा है, देखें। हालाँकि हमने चेक भी किया था तो भी निकल रहा है, इसकी वजह क्या है, तो इसे हमने दोबारा से यहाँ से पैप खोल के देखना है कि अभी ये क्यों लीक कर रहा है। तो यहाँ से जो है प्रेशर निकल रहा है, इसकी वजह क्या है, जब दबाव आता है तब जो है ये लीक क्यों होता है, तो देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इसका फॉल्ट अल्लाह पाक रहमत करेगा, सेट हो जाएगा। तकरीबन 4 से 5 मैकेनिक इसको कर चुके हैं, तो सेट नहीं हुआ, तो हम अपने तरीके से इसे चेकिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक रहमत करे, आप भी दुआ करना कि आगे ही हमारा काम अच्छे से होता जाए, ठीक है।
ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है जब मेरे से कोई काम ना हो। तो खैर फाड़ का तो पता चल गया है, तो मज़ीद इसे खोल के देखते हैं कि परफेक्ट क्या फाड़ निकलता है। हालांकि हमने नीचे भी चेक किया था, मुझे लगता है इस बाल का मसला है कोई ना कोई। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम नीचे से खोल दिया है और हम यहाँ से नीचे जैसे चेक कर रहे हैं, जैसे कि चेक कर रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल सही बता रहा है। तो जब इसे फिटिंग करते हैं तो दोबारा से ये लीक हो जाता है। तो इस वाल को निकालते हैं, मुझे तो इस वाल का फाड़ लग रहा है। तो खैर इसी वाल से लीक कर रहा है, तो ये वाल जो है हालांकि न्यू डाला है तो भी ये लीक कर रहा है। तो इसकी वजह मुझे लग रही है कि जब इसमें प्रेशर डलता है ना, तकरीबन 4 तक प्रेशर जाता है तो लीक नहीं करता, जब 4 से ऊपर जाता है 5 तक चला जाता है तब ये लीक करता है। तो इसकी वजह ये है कि ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो इसीलिए ये लीक हो जाता है मेरे अंदाज़े से। तो ये रबड़ इस टाइम ठीक नज़र आ रही है, तो शायद ये इसका जो है रबड़ उस टाइम पे खुल जाती हो जब इसमें प्रेशर डलता है, मतलब जब इसका प्रेशर पूरा होता है। तो ये न्यू डालेंगे, देखेंगे फिर दोबारा। तो खैर ये दूसरा आ चुका है न्यू किट का, तो इसे फिटिंग करेंगे। इसे फिटिंग करके तो गाड़ी के ऊपर लगाएंगे, तो फिर दोबारा से हम चेक करेंगे। तो खैर हमने दोबारा से फिटिंग किया है, ये दोबारा से लीक है, तो फिर हमें खोलना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि हमने भी दूसरी बार इसको खोल दिया है, तो दोबारा से वाल चेंज किया है तो भी सेट नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी हमें मसला क्या निकला है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी का मसला होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो स्प्रिंग है ऐसे ही लगा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो कटोरी आती है उससे बग़ैर लगा हुआ था, तो पहले भी हालांकि लगा हुआ था, पता नहीं कैसे चल रहा था, ये कमाल है। तो हम जो है, हमारा जहां तक शक जाता है, तो हमें जहां तक अंदाज़ा है कि इसका मसला है, ठीक है। तो ये हमने दूसरी कटोरी न्यू ली है, तो इसे हमने अभी लगा के इसे फिटिंग करना है। तो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें यहां पे, हालांकि बहुत सारे वाल हमने फिटिंग किए हैं तो बाज़ दफ़ा कटोरी नहीं होती तो हम ऐसे लगा देते हैं, तो ऐसे ही इसके ऊपर फिक्स हो जाती है। ये इसका जो कटोरी है इसका सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये रबड़ को बाहर नहीं आने देती इधर, तो रबड़ ख़राब नहीं होता, इसीलिए ये रखी जाती है। तो बहुत सारे ऐसे हमने वाल खोले हैं जिनमें ये होती नहीं है, तो वाल फिर भी ठीक होते हैं। तो अब जो है इंशाल्लाह इसे हम फिटिंग करेंगे, उम्मीद है कि ये सेट हो जाएगी। मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा कुछ हो रहा था कि जिसमें कटोरी ना हो तो ये रबड़ जो है यहाँ से ऊपर हो जाता था, ठीक है, जहाँ ऊपर हो जाता था जहाँ अनबैलेंस हो जाता था, रबड़ यहाँ से खुल जाता था, उसकी वजह से ये लीक कर रही थी, तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। खैर इसे हमने लगा के फिटिंग करना है, तो दिखाना है आपको कि इसकी वजह से ये मसला था या फिर और कोई मसला है। इसे फिटिंग करते हैं, देखते हैं फिर दोबारा। माशाल्लाह हमने इसका जो वाल है वो हमने फिटिंग कर दिया है, तो हमने नीचे ही चेकिंग करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि दोबारा फिर ऊपर फिटिंग करें तो गाड़ी का प्रेशर पूरा करें फिर दोबारा से लीक हो जाए। तो हमने यहाँ पर टेंकी के ऊपर जो टायरों वाले के पास टेंकी होती है, टायर वाले के पास, तो उसी से हमने चेक करना है। चेक करके तो फिर आपको दिखाएँगे कि इसकी क्या सूरत हाल है, फिर हमने इसको फिटिंग करना है। ऐसा 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 ये देखें सेट, ये देख सकते हैं यहाँ से बस। तो जैसे कि हमने कटोरी रख के भी इसको चेकिंग किया है, फिर भी ये लीक कर रहा है, दोबारा हम खोलेंगे। यार ये कमाल हो गई है, बहरहाल ये फर्स्ट टाइम ऐसा मसला हो रहा है हमारे साथ, जैसे ये सूरत हाल हो ही पड़ी है। तो खैर हमने इसको दोबारा से वाल को बाहर निकाल दिया है, खोल दिया है, तो हमने आपके सामने ये देख सकते हैं दो वाशने हमने रख दी हैं, ठीक है। तो इसकी वजह ये होती है कि नीचे जो इसका वाल है, जहाँ पे ये जो वाल बैठता है और इसके ऊपर स्प्रिंग का दबाव आ जाता है, ये देखें ये अंदर की तरफ बैठता है, नीचे जो सीट होती है, ठीक है, अगर इसका फ़र्क हो जाए तो वाशलें रखने से कुछ जो है, ये वाशलें रखने से कुछ फ़र्क पड़ जाता है, लीकिंग का लीक कुछ कम हो सकती है। अगर फ़र्ज किया ऐसा हुआ तो फिर आप समझ सकते हैं कि नीचे वाली जो इसकी सीट है वो बिल्कुल सही नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो सीट जब सही नहीं होगी तो ये ऐसे ही लीक करता रह जाएगा। जब हम इसको वाशने रख देंगे तो इसका जो प्रेशर है, स्प्रिंग का जो दबाव है,
वो बढ़ जाएगा। दबाव बढ़ने की वजह से कुछ लीक कम हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये वाल जो है ये लाजमी है बदली करना, ठीक है, या फिर वाल बदली करेंगे या फिर इसे सेट करवाएंगे खरादी वाले के पास। तो खैर हमने माशाल्लाह इसको चेकिंग भी कर लिया है, हमने आपको नहीं दिखा सके क्योंकि हमने उस टाइम पे वीडियो नहीं बनाई जब हमने इसको चेकिंग किया। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कुछ फ़र्क पड़ चुका है, तकरीबन आप समझ सकते हैं 40-50% ये सेट हो चुका है वाशनर रखने की वजह से। अब हमने दोबारा से इसको खोल दिया है तो अभी जो है ये वाले हमने वाशनर इसकी निकाल देनी है, और ये निकाल के तो फिर जो है हमने इसको जो नीचे वाला है इसको हमने सैज करवाना है खरादी वाले के पास। इसको सैज करवा के तो दोबारा से हमने फिटिंग कर देना है। उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क पड़ जाएगा। तो खैर असली तौर पे ये न्यू लगना चाहिए था तो हमें यहाँ पे न्यू नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हम इसे सेट करवा रहे हैं। तो गाड़ी वाले जो है दोबारा से इसे न्यू लगवा देंगे। ये वाल जो है बिल्कुल आप समझ सकते हैं ये बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो अगर इससे भी सेट नहीं हुआ ना तो न्यू लगाना ही पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि यहाँ पे न्यू असल में ना मिलता नहीं है। हीनो का तो मिल जाता है तो निसान का नहीं मिलता। तो देखेंगे इसको सीट का फ़र्क होगा तो सेट होगी तो ओके, नहीं तो फिर न्यू लगेगा। तो ये कंफर्म हो गया कि फॉल्ट इसी का ही है। चलो तो माशाल्लाह तो हमने फिटिंग कर दी है, तो स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं। अल्लाहू अकबर। तो माशाल्लाह तकरीबन 8 से ऊपर हो गया, पूरा हो गया प्रेशर। माशाल्लाह ओके हो गया। तो मसला वही था खराद वाला, तो इसी का मसला था। तो बहरहाल कमाल फाड़ था, कमाल। तो इसे फिटिंग करेंगे अच्छे से, फिर दोबारा से चेकिंग करेंगे। तो माशाल्लाह हमने इसको मुकम्मल फिटिंग कर देना है, तो यही दिखाना था आपको। देखें एक छोटे से फाल्ट की वजह से कितना मसला बना है। तो तकरीबन जो भी तकरीबन 3-4 मैकेनिक कर चुके हैं या फिर 5 मैकेनिक लगे रह गए हैं, तो उसकी वजह यही थी कि वो अच्छे से चेकिंग नहीं कर पाते थे कि इसमें फाल्ट कहाँ पे निकल रहा है। तो हमने अच्छे से चेकिंग किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसका फाल्ट नज़र आया है, और असली तौर पर इसे बदली करना चाहिए था, ठीक है। तो हमने बदली नहीं किया तो हमने फौरी तौर इसे सेट करवाया है। तो जब भी आपके साथ ऐसा मसला हो इसे मुकम्मल ही आप चेंज कर दें, ज़्यादा मुसीबत में ना लगे रहें। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ये होता है कि टाइम ज़ाया कुछ ज़रूर हो जाता है मगर तजर्बा इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा तजर्बा बढ़ जाता है। तो देखें हमने बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की है, हमें भी 2 दफ़ा खोलना पड़ गया, तो बार बार हम नीचे ही चेकिंग कर रहे थे। तो खैर फौरी तौर ठीक हो चुका है, तो इनको दोबारा से बदली तो ज़रूर करना पड़ेगा। ये फौरी तौर ठीक हुआ है, खैर ये इसका भरोसा नहीं है, ये फिर दोबारा से ही लीक कर सकता है, दोबारा से लीक हो सकता है। तो जब भी आपके साथ ऐसा मसला हो जाए, तो आपने बार बार इसको खोला हो, बार बार मसला बन गया हो, तो आप कोशिश करें कि दोबारा से इसको न्यू लगवा दें। तो हमने भी इनको बार बार बोला है कि आप इसे न्यू लगवा दें, खैर इन्होंने खुद ही बोला है कि आप इसे रिपेयर कर दें, हम दोबारा से न्यू लगवा लेंगे। तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट आती रहे। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि दूसरों को फ़ायदा हो सके। तो अभी के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने इसे मुकम्मल कर देना है, ठीक हो गया।